ये सामने है सन स्टैंड, यहीं पे आज अपना शूट है। तो अभी मैं आया हूँ बीच पे, ये आप सामने देख रहे हो जुहू चौपाटी बीच, तो यहीं पे सामने आज का वेन्यू है। आज का लोकेशन सन इन सैंड, आज का ये लोकेशन है और ये सामने रहा जुहू बीच। आज का लोकेशन बहुत ही मस्त है भाई। जय सेवालाल, जय श्री राम। व्हाट्सअप यू लोल पीपल, आप कैसे हो? एकदम मजे में रहो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशवंत चौहान व्लॉग। अभी व्लॉग आते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो गाइज, आज है वेनर्सडे और अभी के बज चुके हैं 10। मैं सुबह 8:30 बजे आ चुका हूँ वेन्यू पे। आज का वेन्यू है सन एंड सैंड जुहू बीच। जुहू बीच सामने है, होटल सामने है, बहुत ही पुराना होटल है। 1980 या 1970 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। तो अरे यार, यहाँ पे कौवा बैठा है, वो काव 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 कर रहा है कब से। दोपहर में शादी है और शाम को कॉकटेल पार्टी है। आज पता नहीं मुझे घर जाने के लिए कितना टाइम होगा। सुबह मैं आया था तो मुझे कार पार्क करनी थी, तो मैं वहीं पे होटल के बाहर में कार पार्क किया। वहाँ पे 1 आवर का 70 रुपीज़ था। तो मैंने बोला भाई मुझे तो फुल डे लगाना है यहाँ पे, जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होगा तब तक तो मुझे पार्किंग करनी है। तो बोला कि फुल डे का 235 रुपीज़ है, तो वो हिसाब से आप पे कर दो। तो मैं बोला कि भाई इतना तो नहीं होगा, कुछ कम कर लो। तो वो बोला कि ठीक है 200 रुपीज़ दे दो। तो मैंने 200 रुपीज़ दे के वहाँ पे कार पार्क की, फिर मैं बीच पे गया। बीच पे जाके आने के बाद लोकेशन पे गया, तो लोकेशन तो पीछे में था, सन एंड सैंड होटल का पार्किंग है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि मेरा कार बाहर में पार्क है, वहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ फुल डे का चार्ज, तो मुझे अंदर पार्किंग दे दो, मैं यहाँ पर पार्क कर दूंगा मेरी कार। फिर मैं मेरी कार वहाँ से उनको बोला कि भाई आपका जो भी है 1 आवर का हिसाब से आप कट कर लो, बाकी के पैसे मुझे रिटर्न करो, और मैं कार मेरे होटल के पार्किंग में लगा रहा हूँ। कैंसिल नहीं कर रहा था तो मैंने उसको बोला, भाई समझाया, तो उसने फाइनली कैंसिल किया और मैं मेरी कार यहाँ पर लाया। कार पार्क करके अंदर में एंट्री कर रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड बोला कि भाई रुको, थोड़ा इशू हो गया। जो वहाँ पर गार्ड है वो गार्ड बोल रहा था कि आप यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ गेस्ट ही पार्क कर सकते कार। तो मैं बोला अरे भाई गेस्ट हो या इवेंट वाला हो, कार तो कार है ना, वो तो जगह तो जगह ही लेने वाली है, उसमें क्या फ़र्क है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड ही बोला है, उनका मैनेजर ने मना किया, ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। तो मैंने लगा भाई ऐसे नहीं होता है, गेस्ट की कार हो या हमारी हो, मैं भी शाम को ही तक कार पार्क करूँगा जाऊँगा लेके मेरी कार, मैं थोड़ी ना यहाँ पे महीना भर यहाँ पे रखूँगा कार, सिंपल बात है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने उनके मैनेजर से बात कराई, हुआ फिर मैटर सॉल्व हुआ। तो भाई ऐसा यहाँ पे इशू था, तो हो गया सॉल्व कार पार्क करके। अभी मैं आ गया अंदर।
बज गए 4:30। बहुत ही थक चुका हूँ, सर भी बहुत दुख रहा है। अभी जाके सोता हूँ घर पे, सुबह उठता हूँ, बात करते हैं। तो गाइस घर में घुस चुका था साफ, तो अभी मैंने उसको पकड़ा है, डब्बे में डाला है, बाहर जाके छोड़ के आता हूँ। उसको अभी हमने जंगल में रिलीज कर दिया है, सांप को मैंने पकड़ा था, अचानक से आ गया भाई, पता नहीं कहाँ कैसे आया। ठीक है, अभी डे में आया, मैं सोता हूँ हॉल में ही, मम्मी मैं और भाई। अच्छा वो रात को आया नहीं, तो रात को अगर आता तो फिर भाई लफड़ा हो जाता, अगर काट लेता तो किसी को। अभी बज चुके हैं 1:30, कल रात को मैं आया 4:30 बजे घर पे, सोते सोते बज गए 5 और मैं अभी उठ चुका हूँ 12 बजे। और अभी आज है ना, जा रहा हूँ मैं कामोटा में, इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, सेंसर का, तो उसका रिपेयरिंग का काम है, तो आज शूट नहीं है, तो सोचा कि ये काम करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर शूट के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा तो लेने के देने हो जाएंगे, तो सबसे पहले वो काम कराएंगे। मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं एडिट कर रहा था, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो 3 बजे तक वहां पे पहुंचना है, और उसके साथ अपने को जाना है अर्चिस भाई के पास से, उनके पास से डाटा लेना है, उनका वीडियो एडिट करना है। पनवेल में है संकेत भाई, संकेत अन्ना, उनसे भी मिलते हैं, उसको मैं फोन करके बोलता हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ, तू रेडी रहे, और हो सके तो हम साथ में जाएंगे कामोटे। तो गाइज हमारे सोसाइटी में कुछ मैटर हुआ है, यहाँ पे अभी महिला मंडल का मीटिंग बैठा है, चलने दो मीटिंग। फाइनली इतने सालों के बाद ये रास्ता का काम स्टार्ट हुआ, और इतना तेजी से काम ये हो रहा है ना, मतलब बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है, तो फाइनली और 1-1.5 महीने में इसका काम हो जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट सल्यूट है भाई, सल्यूट है, बहुत ही काम कर रहे, तेजी से डेवलपमेंट चल रही है भाई। क्या रहा ना, इतना टाइम क्या, 2 मिनट बोल के इतना टाइम दिया तू, अभी क्या कर रहा हूँ, रेडी हो रहा था मैं तेरे को आधा घंटे पहले ही बोला था, रेडी होके काम कर रहा था, मैं सोया नहीं हूँ आपके लिए, मैंने भी कितना सोया, दोनों तो साथ में थे ऑनलाइन 3 बजे, इसके बाद भी मैं काम कर रहा था। हाँ चलो ठीक है, जाते क्या अभी अर्चिस भाई के पास, अर्चिस के पास चलो, उसको हार्डिक देते फिर आगे, ठीक चलो। अरे अन्ना स्टूडियो तो बंद है अर्चिस भाई का, स्टूडियो बंद है तो कहाँ से ले, बाजू में रख लेंगे ना, वो आइसक्रीम वाले के पास बोला, आइसक्रीम वाले के पास, वही मैंने बोला तुझे। गाइस सिग्नल लगा है और ये रास्ता है, ये साइड का वे का है जाने का, तो पब्लिक है पूरा, मतलब रास्ता ही रोक के रखा है, एक्चुअली वहाँ पे रुकना है लेकिन पब्लिक यहाँ पे आके रुकी है, और वहाँ के गाड़ी को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। गाइस हम पहुंच गए
सोनी ऑथोराइज सेंटर में कामोटे में, साथ में है संकेत भाई, अन्ना नहीं संकेत भाई। कामोटे में तो हमारा काम हुआ नहीं, तो जहाँ पे इंजीनियर अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने बोला कि चेंबूर का एड्रेस देते हम, वहाँ पे लेके जाओ। और हाँ मेन बात, वो लोग ना 7 से 8 दिन हमें बोले, तो उन्होंने बोला कि 7 से 8 दिन लगेगा रिपेयर करने में। मैं बोला कि उतना टाइम हम देने सकेंगे, क्या है ना बीच में अगर शूट आया, और शूट है ऑलरेडी मुझे, तो आज एक दिन में देंगे तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर आप आगे हेड ऑफिस में लेके जा सकते हो। तो चेंबूर का एड्रेस दिया है, कल जाऊँगा मैं और वहाँ से करा के लेके आऊँगा मैं रिपेयर। अभी हम रुके हैं मौसम्बी का जूस पीने के लिए। संकेत भाई बताओ, आप पी रहे हो क्या? आप पीने आ जाओ सब। हेलो गाइज, मौसम्बी का जूस पी लो। हेलो गाइज, लेकिन आज का लुक एकदम कड़क लग रहा है क्या? मेरा बीइंग वुमन, हाँ ऐसे सिंपल है। अरे मस्त लग रहा है आज। अच्छा थैंक यू, दे दे। तो अभी हम आए जूस पीने के बाद इडली खाने। इडली खाने आ जाओ सर। मेरा मूड क्या इडली खाने का, क्योंकि इधर ना अच्छा टेस्टी इडली मिलता है, तो मैं सोचा पनीर आया है और टाइम भी है, तो सोचा कि चलो संकेत भाई इडली खाते। संकेत भाई बोला तो नहीं नहीं मैं बोला चल भाई चल यार। तो गाइस अभी हम आए हैं वडाला लेक। चीयर्स लेमन टी पीने के लिए गाइस। गाइस लेमन टी पीने गाइस। एक बात बता देता हूँ, ये हमारा है ना सेकंड मीटअप है ना भाई। yes. हम दूसरी बार मिल रहे हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार हम लोग गैस मिले थे, एक साल के बाद आज हम मिल रहे हैं और साथ में लेमन टी पी रहे। अभी तो हमने साथ में इडली भी खाया। कैसा लगा इडली? सही था। एक्चुअली यहाँ पे बैठने का रीजन ये है, वहाँ पे आर्चिस भाई के पास चल रहा है डाटा कॉपी, तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो सोचा कि संकेत भाई के साथ थोड़ा टाइम पास करते हैं। एक्चुअली उसको आज अर्जेंट काम है और मेरे साथ चिल मार रहा है बंदा। मोए रात भर से। हाँ रात भर। मैं भी किधर सोया भाई, मैं भी तो था 3 बजे तक ऑनलाइन ही। तो कल रात को मैंने एडिट खत्म किया, ब्लॉग अपलोड किया, उसके बाद मैं सोया, भाई को बोला बाय, सोता हूँ अभी मैं। तो गाइस अभी मैं आया हूँ संकेत भाई के घर पे और अभी हम यहाँ पे खेल रहे। क्या रहा हूँ संकेत भाई? क्या रहा हूँ रहे ऐसे। तो संकेत भाई ने नाश्ता कराया, चाय पिलाया। 2 राउंड हो चुका है, 1 राउंड उसने जीता है और 1 राउंड मैंने जीता है। अभी हमारा लास्ट का राउंड चल रहा है, अभी इसमें से जो जीतेगा वो विनर चिकन डिनर। बराबर, वैसे तो दोनों भी विनर है, कोई बात नहीं उस बात से। हाँ संकेत भाई के घर पे। शिट यार, परफेक्ट आया तू भी, इनका ना बहुत सारा। ओहो नाइस, जाएगा कि नहीं? जाएगा, गया जोर से थोड़ा जोर। एक नंबर, शिट यार, तोड़फोड़। ओ भाई क्या यार, खतरनाक, इसमें रिकॉर्ड हो गया ना। ओ चांस में दिया है और ये चांस में छोड़ूंगा।
फाइनल है गाइस, एक दो से मैं जीतूंगा इधर, एक दो से जीता है गाइस मैंने, एक दो, ये मजा आया। लेकिन तेरा जो तीन शॉट है ना, तीन शॉट खतरनाक था। एक लास्ट वाला था जो वो रिकॉर्ड नहीं किया, और एक था वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन एक शॉट रिकॉर्ड किया भाई, वो खतरनाक था। झुक 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 इधर ऐसा गया, चैंपियन है तू। हां भाई तेरे से चलो इसी के साथ बाय गाइस। नहीं नहीं भाई खेलते हैं ये, भाई जाता हूं। ये नहीं नहीं भाई, लेट हो जाएगा, आधा घंटा जाएगा और एक गेम। मेरी वजह से मैंने कितना काम छोड़ा मालूम है। फिर से एक गेम हम लोग स्टार्ट किया अभी। ओ भाई साहब कितना गया, पांच गया, दो गया नहीं इधर नहीं गया, इधर ही गया, तो इधर ही गया, एक ही गया। पांच जाएगा तो कैसे, मुझे लगा पांच गया। ये क्या था, थोड़ा सा ऐसे खेला था, लेकिन अभी देखते हैं कैसे क्या होता। रेडी गया? गया 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 ब्लैक गया, जबरदस्त। रिकॉर्ड ओहो दुरंतो एक्सप्रेस कैसा था, खतरनाक। 2-0-1 से है भाई, भाई 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 इजी इजी है वो। 2-1 वही चाल है, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, इजी है। 3-1 चलो भाई इसी के साथ जाता हूँ मैं, मेरे को लेट हो गया। अरे नहीं 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 चलो भाई, चलो भाई, आता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, चलो आऊँ मैं।